दिन पहले सरकार ने 23 जरूरी कीमतें घटाई थी और जीएसटी के स्लैब में बदलाव करने से कई चीजें सस्ती हुई और अब जीएसटी पर अगले कुछ दिनों में एक और बड़ा फैसला होने जा रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि 12% और 18% का स्लैब अब खत्म हो जाएगा और 15% का स्लैब आ जाएगा जो कि स्टैंडर्ड कहलाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ हर चीज पर 15% जीएसटी लगेगा, 0, 5 स्टैंडर्ड लग्जरी के स्लैब भी होंगे। 28% का स्लैब भी अब लगभग खत्म होने की कगार पर है। तो जीएसटी को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है, 12 से 18% का स्लैब खत्म करके 15% का स्लैब बन सकता है जो कि स्टैंडर्ड स्लैब कहलाएगा। 28% का स्लैब लगभग खत्म हो चुका है, सीमेंट पर टैक्स घटेगा, 28% स्लैब में ये नहीं रहेगा। तो ऐसा ऐलान हो सकता है, अभी ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन जीएसटी पर ये बहुत बड़ा ऐलान संभव है। एक नया रेट संभव है, 0%, 5% स्टैंडर्ड रेट, लग्जरी और सिन गुड्स रेट। तो जीएसटी पर एक और बड़ा ऐलान हो सकता है, 178 आइटम्स पर 12%, 517 पर 18% जीएसटी लगता है, 308 आइटम्स पर 5% जीएसटी लगता है। और अब जीएसटी को लेकर नया ऐलान संभव है, 15% का नया स्लैब इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जो कि स्टैंडर्ड स्लैब कहलाएगा। यह है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।